एक और बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां मुंबई रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं मुंबई के लोगों से बोले रेलवे पुलिस कमिश्नर के दौरान उन्होंने कहा कि हैक हुए ट्विटर से ट्वीट्स आने पर भरोसा ना करें। बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां मुंबई रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो हैक हुआ है अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, उसमें जो ट्वीट सामने आ रहे हैं उन पर लोग भरोसा ना करें। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ संतोष मोरे संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, मुंबई रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? जी, आज सवेरे ही जो जीआरपी के जो प्रबंधक महासंचालक है उनकी ओर से एक ट्वीट सामने आया था और उनमें उन्होंने कहा था कि जीआरपी का जो मुंबई का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो चुका है और इसी की पुष्टि उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पे की थी। लेकिन आज सुबह जब ट्वीट आया तो उसके बाद जो प्रशासन है वो फिर से जागरूक हो गया है और फिर से अब जो उनका जो ट्विटर हैंडल है फिर से शुरू करने के लिए अभी जो टेक्निकल टीम है उनके साथ अभी काम शुरू है। लेकिन अभी तक तो जो जानकारी आई है जब तक कि अभी तक तो भी जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ है, वो अभी तक चालू सही रूप से फिर से हुआ नहीं है। संतोष, ये बताइए कि जिन लोगों ने ट्विटर अकाउंट हैक किया है उन पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? अभी तो फिलहाल में तो किसी के और से ये हैकिंग किया गया है इसकी अभी तक उनको पुष्टि हुई चुकी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आईटी विभाग के जो नियम है, जो कायदे है, वो उस प्रकार से उन जो ट्विटर जिन लोगों ने हैक किया है उनके ऊपर कार्रवाई करने की पुलिसों की ओर से जांच चल रही है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक किया है वो उनके नाम और जो आईपी नंबर है अभी तक उसकी भी पुष्टि हुई नहीं है कि कौन से आईपी नंबर से ये हैक किया गया है करके। जानकारी देने के लिए बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं रेलवे पुलिस कमिश्नर ने मुंबई के लोगों से अपील की है कि हैक हुए ट्विटर से ट्वीट्स जो आ रहे हैं उन पर कतई भरोसा ना करें।